हलवा को अच्छी तरह पकाएंगे, उसमें एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने के बाद उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे, फिर इसको एंजॉय करेंगे। हाय चटोरों, कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में देखा कि आप तड़के वाली दाल, तड़के वाली अरहर की दाल कैसे घर में आसानी से बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बेहद लाजवाब थी। आपने वो वाली रेसिपी हमारी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में सीखेंगे कि हम बढ़िया से घर में रवा का हलवा कैसे बना सकते हैं, जो नए तरीके से हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमने इंडक्शन ऑन कर लिया। इंडक्शन ऑन करके अच्छी तरह से गर्म किया, उसमें 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाल दिया। देसी घी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से गर्म किया। इसको हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसको ले सकते हैं। हमारे पास काजू बादाम और कुछ खरबूजे के बीज हैं, इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट इसको आसानी से हमें चलाना है, इसको भूनना है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, अच्छी से महक नहीं आ जाती। इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। जो आँच है हम इसको मीडियम रख देंगे, ज़्यादा हाई हीट में नहीं पकाना है, हमें स्लो हीट में पकाना है। ज़्यादा हाई हीट में पकाएंगे तो हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। हमारे ड्राई फ्रूट भुन चुके, फिर हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी में निकालने के बाद हमारे पास वही बचा हुआ है, उसमें जो घी है उसमें और घी नहीं डालेंगे। हमारे पास उसी पैन में जो घी है, घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। फिर हमारे पास ये रवा है, एक कटोरी रवा है, रवा इसमें डाल देंगे। ये करीबन 150 ग्राम रवा होगा, ये मोटे दाने वाला रवा है। आप महीन दाने वाला रवा नहीं यूज करना है, इसमें मोटे दाने वाला रवा यूज करना है। इसको डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद हमारे पास करीबन 2 से 3 चम्मच ये पिसी हुई चीनी है। आप साबुत चीनी नहीं लेना है, इसमें महीन चीनी लेना है। इसको चीनी की डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इसको जो हीट है हीट को हम मीडियम कर देंगे। इसको तब तक चलाएंगे कि हल्की हल्की चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह से आप चलाते रहेंगे। आपको आँच जो है इसको धीमी ही रखनी है, ज़्यादा हाई हीट नहीं रखनी है। ज़्यादा हाई हीट रखेंगे तो इसमें हमने जो चीनी डाली है वो जल जाएगी। इस तरह से चलाने के बाद इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्वाद आएगा। नमक डालने के बाद हमने पिसा हुआ इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इससे मिलाने के बाद बहुत ही अच्छा सा महक आने लगेगा हरी इलायची की। फिर बाद में हमने कुछ नया ट्विस्ट इसमें करेंगे। हमारे पास ये 2 पके हुए केले हैं, इसको अच्छी तरह से छील लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से हम छील लेंगे। हम इसमें नया ट्विस्ट डालने वाले हैं। कुछ बच्चे होते हैं सुबह नाश्ता नहीं करके जाते हैं, माँ परेशान होती है कि बच्चे नाश्ता करके नहीं गए, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से खाएंगे और बार बार इसको खाएंगे। जब भी बच्चों को ये सूजी वाला हलवा दें तो थोड़ा सा उसके साथ गर्म दूध जरूर दीजिए, ताकि ये जो हलवा है और दूध के साथ बहुत ही अच्छा और टेस्टी रहेगा। ताकि ये जो दिन भर की थकान और जो भूख छोटी मोटी होती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने अच्छी तरह से अपने जो बनाना है उसको अच्छी तरह से उसको मैश कर लिया। इसमें एक की गुटली में अंदर है, उसको अच्छी तरह से मैश करना है। फिर हमने उसी पैन में डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि हम जो इंडक्शन है इंडक्शन को पूरी तरह से ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाना है ताकि जो हमने केला डाला हुआ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसलिए इंडक्शन को ऑफ कर देंगे ताकि जो हमने जो बनाना है इसमें डाला हुआ है मैश करके, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। हमने अच्छी तरह से बनाना मिक्स कर लिया है इसमें रवा के साथ में। फिर बाद में इसको जो इंडक्शन है इंडक्शन ऑन कर देंगे और स्लो हीट कर देंगे। हमारे पास 200 मिली ये अमूल का दूध है। आप नॉर्मल दूध भी यूज कर सकते हैं, ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। इसको हम इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें जो लम्स और गांठें हैं इसमें ना बने। इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो अच्छी तरह से जो रवा है और बनाना है और दूध है इसमें अच्छी तरह से सारे फ्लेवर मिक्स हो जाएं।
इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, इसको हम करछी से चलाते रहेंगे। अब इस स्टेज में हमें रुकना नहीं है, इस तरह से हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एक बार घर में जरूर बनाएंगे, आप भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, तो बच्चे आपसे ये बार बार बनाने की जिद करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, देखिए इस तरह से हमारा ये जो हलवा है, हलवा अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। देखिए इस तरह से हम हलवा बनाएंगे, फिर बाद में हमारे पास 1 चम्मच देसी घी है, 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। देखिए इस तरह से डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक एक अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो आपने जो केला डाला हुआ है उसमें हल्का सा कच्चापन आ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसको चलाना अच्छी तरह से जरूरी है। फिर हमने जो अपने शुरुआत में जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से आप मिक्स करेंगे, हमारा हलवा तैयार है। फिर हम किसी प्लेट में इस तरह से हम निकाल लेंगे, इस तरह से काजू बादाम से गार्निश करेंगे। इस तरह से आप गार्निश करेंगे तो बच्चे आपके रोज खाएंगे। खाइए, खिलाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। मैं चला।